एबी टेस्टिंग हमें बताती है कि कौन सा मेथड हमारे लिए वर्क करेगा, मींस कौन सा मेथड हमें ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड्स लेके आ सकता है। फॉर एग्जांपल, आपने अपना गेम अपलोड कर दिया प्ले स्टोर पे। अब आपने बनाए अपने गेम के दो आइकन्स, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा आइकन वर्क करेगा। आपने अपने फ्रेंड को दिखाया, फ्रेंड ने बोला कि ये वाला आइकन अच्छा है और लगा दिया आपने। ये एबी टेस्टिंग नहीं है। एबी टेस्टिंग में क्या होता है कि देखो, आपने 50% यूजर्स को पहला आइकन दिखा दिया और 50% यूजर्स को दूसरा आइकन। अब क्या होगा, मान लीजिए 50% आपकी है 500 जनता, 500 लोगों को वो आइकन दिखा और उसमें से 300 लोगों को पसंद आया और आपका गेम हुआ डाउनलोड। वहीं सेकंड तरफ क्या है कि 500 में से सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों को वो आइकन पसंद आया और गेम हुआ डाउनलोड। तो आपको ये मालूम चलेगा कि कौन सा मेथड आपके लिए वर्क कर रहा है, कौन सा ऑर्गेनिक डाउनलोड्स या ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड्स लाने में हेल्प कर रहा है। और यहाँ हम लोग बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं अभी टेस्टिंग में, जैसे कि स्क्रीनशॉट। आप एक स्क्रीनशॉट में इंडियन फ्लैग लगा सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट में नहीं। इससे क्या होगा, देखो इंडियन देखेगा ना उस इंडियन फ्लैग को, तो वो मोस्ट प्रोबेबिलिटी काफ़ी पसंद आता है इंडियंस को, तो वो डाउनलोड करेगा। तो कुछ ऐसे ही होते हैं एबी टेस्टिंग कि अपन लोग अलग अलग मेथड्स को ट्राई करते रहते हैं ये जानने के लिए कि अच्छा ये वाला मेथड हमारे लिए वर्क कर रहा है और इसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड्स मिलेंगे। सो कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट सेक्शन में, क्या आपने एबी टेस्टिंग पहले की है, और अगर नहीं की है तो करना शुरू करो, उसके काफ़ी ट्यूटोरियल्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। और हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊँ कि एबी टेस्टिंग मैं ऐसे की और ये मेरे रिजल्ट थे।